दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपनी बाइक का जो इंश्योरेंस है कैसे आप लोगों को रिन्यूअल करना है, कैसे रिन्यूअल करना है, कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित यादव, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोमेंट में। दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कैसे आप लोग को अपनी बाइक का इंश्योरेंस जो है वो रिन्यूअल करना है। देखिए बाइक का इंश्योरेंस आप लोग को ऑनलाइन रिन्यूअल करने के लिए सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे सर्च करना है फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस। जैसे कभी हम यहाँ इसी से हम रिन्यूअल करने वाले हैं फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस से, सिंपल सा इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए पहली वेबसाइट ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस होगा, थोड़ी देर तक आपको इंतज़ार करना है। देखिए यहाँ वेबसाइट ओपन हो रही है, नेट के ऊपर सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी वेबसाइट ओपन होती है। अब देखिए ऊपर आपको मिलेगा रिन्यू, सिंपल सा रिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और देखना बाइक इंश्योरेंस कहाँ है। यहाँ पे हम सिंपल सा इस पर क्लिक कर देंगे बाइक इंश्योरेंस पे, आगे का प्रोसेस होगा तब तक हम इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे देखिए रिन्यू योर टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी इन टू स्टेप, सिंपल सा आप दो स्टेप में इसे रिन्यूअल कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं अपना जो भी आपकी बाइक का इंश्योरेंस है। यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर आपको फिलअप करना है, जो भी आपके पॉलिसी नंबर है वो पॉलिसी नंबर यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। कोई भी पॉलिसी नंबर किसी भी एजेंसी से आप लिए हो वो फिलअप करके आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर दें। यहाँ कब तक एक्सपायर हो रहा है वो डेट आपको फिलअप करना है। ध्यान रहे हो सकता है आपका 11 तारीख को एक्सपायर हो रहा है तो आपको 10 तारीख का डेट डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे डेट अपना फिलअप कर लेना है, एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो यहाँ पे फिलअप करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। देखिए प्रोसीड पे हम क्लिक किए तो आगे का प्रोसेस हो रहा है। अब देखिए हम थोड़ी देर तक इंतज़ार करते हैं, यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर 6 डेज है, यहाँ पे केवल 6 दिन बचा हुआ है एक्सपायर होने के लिए। यहाँ पे कौन सा गाड़ी है, यहाँ से एक्सपायरी डेट क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, फुल नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका शो होगा जो भी पुराने ईमेल आईडी के साथ अटैच होगा। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो सिंपल सा ये जो पेंसिल का ऊपर आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे पेंसिल का जो चिन्ह बना हुआ है, आइकन बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जब हम आप लोगों को दिखा रहे हैं थोड़ी देर तक इंतजार करिए। यहाँ पे देखिए एक पेंसिल का ऑप्शन मिला, सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ नया मोबाइल नंबर अपना फिलअप करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी फिलअप करके आप अपडेट कर सकते हैं। अगर ईमेल आईडी आपको करना है तो ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना नया ईमेल आईडी जो अपडेट करना चाहते हैं न्यू ईमेल आईडी अपना फिलअप कर लीजिएगा और सेव पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे फिलअप कर ले रहे हैं थोड़ी देर तक। देखिए यहाँ पे हम फिलअप कर लिए, हम सेव पे क्लिक करेंगे। देखिए सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे सिंपल सा क्लिक करना है। कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना है, 971 करके है इस, ये आपको पेमेंट इतना करना है 971। हम यहाँ पे आगे प्रोसीड किए तो देखिए पे पे हम जब क्लिक किए तो आगे का प्रोसेस आया। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है, अब जिसके थ्रू अपना पेमेंट करना चाहते हैं उसके थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड है, EMI है, वॉलेट है, नेट बैंकिंग है, UPI है, स्कैन एंड पे करके है, गूगल पे करके है। जिसके थ्रू आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं वो आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट किसके थ्रू करने वाले हैं, UPI के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ UPI ऊपर देखिए UPI का ऑप्शन है, सिंपल सा इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस होगा। अब देखिए हम QR कोड के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं, तो देखिए ऊपर लिखा है जनरेट QR कोड, इस पर हम क्लिक करेंगे। गूगल पे, फोन पे, जो भी एप्लीकेशन चलाते हैं उससे QR कोड आपको स्कैन करना है और पे कर देना है। तो देखिए हम अपना फ़ोन पे ओपन कर लिए हैं, यहाँ पे हम इस पर क्लिक किए, अब इसको हम स्कैन कर लिए हैं। अब प्रोसीड टू पे पे हम क्लिक करेंगे, ये आपको स्क्रीन दिख रहा है जैसे मोबाइल में प्रोसेस कर रहे हैं। तो प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, अब हम क्या करेंगे पे पे सिंपल सा क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से रिकॉर्ड नहीं होती है, तो यहाँ पे हम पिन अपना फिलअप करेंगे और पे पे सिंपल सा हम क्लिक कर देंगे। जैसे पे पे क्लिक करेंगे देखिए आगे का प्रोसेस हो रहा है, देखिए यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे देखिए आगे का प्रोसेस होने लगा, पेमेंट होने के बाद देखिए यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे देखिए यहीं पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड पॉलिसी, सिंपल था इस पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन आपको जो इंश्योरेंस है ये डाउनलोड कर लेना है। और सबसे बड़ी बात, इस पर किसी का मुहर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका डिजिटली सिग्नेचर इसमें रहता है, ये आपका एक्सेप्ट होगा, कहीं पर भी आप दिखा सकते हैं जहाँ पर भी इंश्योरेंस आपको दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करके इसको हम
सेव पे क्लिक करके सेव कर लेंगे, जहां पे भी आप लोकेशन सेव करना चाहते हैं सेव कर। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग को बाइक का इंश्योरेंस जो है रिन्यूअल करने आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।